राम राम जी। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल हो गए, परमात्मा की दया से भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें और मैं एक अपने देश की बहुत अच्छी कथा सुनाती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे जो प्रसंग पसंद है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप सबको पता है पूर्णमल जी के किस्से का कि पूर्णमल जी की दो माताएं थी, बड़ी उसकी अपनी माँ थी, दूसरी सौतेली माँ थी जिसका नाम नूणादे था और बड़ी माता का नाम सुनीति देवी था, उनके पिता का उत्तमपाद था। तो जैसे ही उन्होंने जल्लादों को, जैसे माता ने, सौतेली माता ने जो षड्यंत्र रचा, राजा तो मानते ही थे अपनी दूसरी पत्नी की चाहे झूठी हो सच्ची हो, क्योंकि उनके आंखों पे पर्दा पड़ा रहता था। तो उन्होंने क्या किया, हुक्म दे दिया कभी पूर्णमल को काट के और फेंक्या हो, जल्लाद लेके चले गए और हाथ काट दिए, पैर काट दिए, कुएं में डाल दिया। कुएं में डाल दिया तो पड़ा पड़ा आवाजें मारता रहा, तो क्योंकि तड़प रहा था। तो वहाँ से गुरु गोरखनाथ जी जा रहे थे अपने चेलों के साथ, उन्होंने आवाज़ सुनाई दी, बोले भाई कुएं में कोई है। उन्होंने ऐसे ही एक टोकरा बांधा और उसमें से जाके नीचे और वो सारा उसके सारे हाथ पैर सब कुछ डाल लाए। और कहते हैं कि हमारे भारत की आयुर्विद्या इतनी पुरानी है कि सब कुछ था उस टाइम, भाई ऑपरेशन वाली भी बातें थी, सब कुछ मतलब मशहूर है हमारा अपना आयुर्वेदिक का भारत का। तो उन्होंने जड़ी बूटी घिसके और लगाई और हाथ पैर जोड़ दिए, क्योंकि एक तो वो गोरखनाथ जी पहुँचे हुए संत, दूसरी वो क्या नाम है उनकी आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में इतनी वो थी, क्योंकि तकरीबन साधु जानते हैं जड़ी बूटियों के बारे में, हम लोगों को नहीं पता होता इतना। तो वो लेके चले गए, लेके गए तो वहाँ घोर तपस्या की पूर्णमल जी ने और वो पूरे संत बन गए। कहते उनकी एक शादी भी करवाई गुरु जी ने, जैसे भिक्षा मांगन गए थे तो उसने अपने पति रूप में ही उसको चुन लिया, वो गए। लेकिन वो किस्सा अलग है, वो फिर छोड़ छाड़ के आ गए थे, वो एक माया थी गुरु जी की रची हुई ताकि वो परख सके अपने चेले को अकबर क्या है। तो जैसे ही पूर्णमल के साथ ऐसा किया तो उस नगरी के सारे बाग बगीचे सब कुछ पेड़ वगैरह सब जल गए, क्योंकि अन्याय तो अन्याय होता है। तो फिर जब वो पूरी तरह देख लिया, परख लिया कि हाँ पूर्णमल पूरी तरह संत बन चुका है, तो उन्होंने उनको भिक्षा मांगने के लिए उसी के नगरी में भेजा जहाँ उसके पापा जहाँ उसके पिताजी राज्य करते थे। गुरु पूर्णमल जी आए वहाँ आए तो एकदम से जैसे ही अपनी भूमि पे उन्होंने पैर रखा सब कुछ हरा हो गया, क्योंकि कहते ना धर्म की नींव तो हमेशा हरी होती है। और जैसे ही पूर्णमल जी आए, वो भी तो एक संत ही थे, तो वो अपने क्या नाम है उनका सब कुछ हरा हो गया और बारिशें होगी चारों तरफ, जो सूखा पड़ रहा था इतने सालों से, तो आदमी त्राई त्राई कर रहे थे, सब कुछ चारों तरफ हरा भरा कर दिया परमात्मा ने। तो वो कहते इनको जिंदा रखने के लिए 12 साल तक एक गुफा में रखा गया था जिसको भोरा बोलते हैं, इनको बाहर की धूप नहीं लगनी थी, तो वो एक किस्म की एक तपस्या होती है। तो ये तो बचपन से जो तपस्वी ठहरे, तो मुझे ये यहाँ बहुत पसंद आता है और मुझे रोना भी आता है जब ये बात होती है। तो सारी नगरी में फैल गया कि एक बहुत ऊंचा संत आ गया, बहुत ऊंचा संत आ गया, क्योंकि 12 साल का था जब उसको फेंका था और अब वो एक पूरा संत बन चुका, जवान हो गया और एक अलग नूर चमक रहा उसके चेहरे से, नूर तो उस टाइम भी था लेकिन अब तो भगवान का नूर भी उसके ऊपर चढ़ गया। तो सारी पब्लिक आती अब अपनी व्यथा सुनाती और जो वो बताते वो मान के चली जाती थी। अब पूर्णमल के जाने के बाद इसकी माँ अंधी होगी, माँ तो
माई होती आंधी होना ही था जिसका एक पुत्र जो इतने सालों बाद हुआ और वो भी बलि चढ़ गया, तो माँ में क्या बचता है, ना वो जिंदा रही ना वो मुर्दा रही, उसकी आंखें चली गई, सब कुछ चला गया उसका, तो बस अपने मन में पूर्ण पूर्ण करती रही और भगवान को बचती रही। तो एक पड़ोसन बोली, अब राजा को तो दूसरी औरत थी, उसने तो क्या करना था, उसका पहली बालिका और बेचारी ऐसे ही अपने एक अलग उसमें पड़ी रहती थी। तो एक पड़ोसन बोली, उसको आंधी बोलने लग गए, बोले आंधी, बोले हाँ, बोले एक पूछा हुआ संत आया हुआ है, चल मैं तेरे को ले चलूँ, क्या पता तेरी उसकी वजह से आँखें मिल जाए तेरे को, कुछ ऐसा उपाय बता दे। वो कहती मैं क्या करूँगी आँखें लेके, जिसको देखना तो वो तो दुनिया में है नहीं, तो मैंने नहीं जाना। तो उसने कहा आंधी तू एक बार मेरे साथ चल और देख, कहते ना पता नहीं क्या मिल जाए, ऐसे संत बताए वो, और तू एक बार चल। अब वो उसकी बातों में आ गई और वो चली गई। तो कहते जाके उस पड़ोसन ने पैर छुए फूल मल के, और माँ इतनी दूर थी, तो फिर बोले आंधी, बोले तू भी पैर छू ले संत के। वो जैसे ही पैर छूने के लिए उसने आगे बढ़ाया उसको, और जैसे ही माँ ने हाथ करे पूर्ण मल जी एकदम से खड़े होके माँ और बोली रे पूर्ण, क्योंकि अपने बेटे की आवाज़ चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे वो बेटे माँ ही सुन सकती है, और माँ को पता होता है कि मेरा बेटा है सामने। और इतना कहते ही पूर्ण मल के तेज से उसकी माँ की रोशनी लौटे, कहते मेरा पूर्ण, बोले हाँ माँ, देख तेरा पूर्ण क्या बन के लौटा है, और मैं ठीक ठाक हूँ बेटा, तू ठीक ठाक है, मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये जब प्रसंग मेरे सामने आता है मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर तो राजा रानी भी आए और उन्होंने पूछा संत से कि भई हमारे कोई औलाद नहीं कर, फिर पूर्णमल जी ने बताया तुम्हारे औलाद तो थी लेकिन तुमने क्या किया उस औलाद का। और जब नूना दे सारी बात बताती है, सारा सच उगल देती है, उसको पता था ये पूछा हुआ संत नहीं तो ये बताएगा। जब उसने बताया मैं ही तेरा बेटा हूँ पूर्ण, जिस पे तूने दोष लगाए थे, वो तो हाथ पैर जोड़े लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो तो बन गए, लेकिन ये आशीर्वाद देंगे अब तुम्हारा एक बेटा होगा और वही राज करेगा। और आज भी कहते हैं कि पंजाब में नूणा दे का महल है और पूर्ण मल जी का भी महल है उधर, मतलब बचपन के जो उनके पिता के, कहते वहाँ महल है। और मेरे को किसी ने बताया, कहते वहाँ अभी नूणा देखा और उनका पूर्णमल जी का महल है। तो राम राम जी, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।